कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है सरकार। दोनों सदनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा कोरोना के सभी मामलों पर रखी जा रही है नजर। भारतीयों को निकालने के लिए ईरान के संपर्क में विदेश मंत्रालय। राज्यसभा सदस्यों ने कोरोना से निपटने को लेकर दिए अहम सुझाव। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर बचाव उपायों की उद्घोषणा करवाने की दी सलाह। सभापति की संबंधित मंत्रियों से सभी सुझावों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर लगातार चौथे दिन संसद के दोनों सदनों में गतिरोध। राज्यसभा में गतिरोध पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई सख्त नाराजगी। तुरंत चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, राज्यसभा में 12 मार्च और लोकसभा में 11 मार्च को तय की गई है चर्चा। निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ। पटियाला हाउस कोर्ट आज जारी कर सकता है नया डेथ वारंट। पवन समेत चारों दोषियों की दया याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंची टीम इंडिया। बारिश की वजह से सेमीफाइनल रद्द होने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष पर रहने का मिला फायदा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगी खिताबी भिड़ंत।